आप सभी को पता है जीएसटी में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। एक और नया चेंज बाय एडवाइजरी ऑन जीएसटी पोर्टल हमारे सामने अवेलेबल करा दिया गया है। ये एडवाइजरी मैं बाद में आपको डिटेल में पढ़ के बताऊंगी, पहले मैं आपको बहुत ही ब्रीफ कर दे। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। देखिए, जर्नली इनवॉइस आप बनाते हो एज पर इनवॉइस रूल्स, और जिन पर्सन्स पे ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी है, जिनको ई इनवॉइस बनाना है, जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबव है, उनको ई इनवॉइस बनाना है, तो वो पर्सन्स क्या करते हैं, इनवॉइस एंड ई इनवॉइस बनाने के बीच में टाइम गैप रखते हैं। मान लीजिए कि इनवॉइस आपने 1 अप्रैल को बनाया, बट उसका ई इनवॉइस जनरेट किया 25 अप्रैल को। ठीक है, ये आप टाइम गैप करते हैं, नॉर्मल सिनेरियो है। अब गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप ये टाइम गैप करते हो, बट अब हमारी सुनो, हम इस टाइम गैप का ना टाइम लिमिट डिसाइड कर रहे हैं। अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं था, 1 अप्रैल का नॉर्मल इनवॉइस आपने ई इनवॉइस में कन्वर्ट करा 25 अप्रैल को तो भी वो चल जाता था। अब गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम इसकी टाइम लिमिट डिसाइड कर रहे हैं 7 डेज। यानी एक नॉर्मल इनवॉइस को आप ई इनवॉइस पोर्टल पे जब रिपोर्ट करोगे, अगर उसके बीच में 7 डेज से ज़्यादा का टाइम गैप होगा तो आपको ई इनवॉइस जनरेट ही नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको 1 अप्रैल वाला जो इनवॉइस है वो मैक्सिमम 7 अप्रैल तक ई इनवॉइस पोर्टल पे रिपोर्ट करना है। अगर 8 अप्रैल को करोगे तो आपको करने ही नहीं दिया जाएगा। देन आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सभी पे एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट ने इसके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ एंड अबव है तो आप पर ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी। इससे कम की टर्नओवर पे ये टाइम लिमिट अभी भी अप्लाई नहीं हुई, और साथ ही आपको टाइम देने के लिए गवर्नमेंट ने इसे 1 मई 2023 से एप्लीकेबल करा है। यानी अभी 12 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुई है, अप्रॉक्सीमेट 18 डेज का आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर लें। अगर आप इस तरह से टाइम गैप देते हैं नॉर्मल इनवॉइस और ई इनवॉइस को बनाने में, तो अब आपको टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। वैसे मेरी पर्सनल सजेशन है कि ये टाइम गैप आपका होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं जीएसटी पोर्टल पे, अब पढ़ते हैं हम एडवाइजरी। तो गवर्नमेंट ने लिखा, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इम्पोज अ टाइम लिमिट ऑन रिपोर्टिंग ओल्ड इनवॉइसेस। तो ओल्ड इनवॉइसेस को रिपोर्ट करने की टाइम लिमिट की बात हो रही है। वो कह रही है गवर्नमेंट, हम उस पर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टर्न ओवर मोर देन 100 करोड़ है, इक्वल या मोर देन 100 करोड़ है, और उनको कंप्लाइंट बनाने के लिए ये बोला जा रहा है दैट टैक्स पेयर्स इन दिस कैटेगरी विल नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट इनवॉइसिस ओल्डर देन 7 डेज द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ इनवॉइस पे एप्लीकेबल है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए कितना भी टाइम गैप अभी भी अलाउड है, आगे भी रहेगा। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया वही सेम जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 को आपने इनवॉइस बनाया, इसको आप 8 अप्रैल के बाद रिपोर्ट नहीं कर सकते ई इनवॉइस पोर्टल पे। अगर आप ऐसा करोगे तो वैलिडेशन सिस्टम इन्होंने बिल्ड कर दिया है, द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल डिसअलाउ द यूजर फ्रॉम रिपोर्टिंग द इनवॉइस आफ्टर द 7-day window। हैंस इट इज असेंशियल फॉर टैक्स पेयर टू इंश्योर दैट दे रिपोर्ट द इनवॉइस विद इन 7-day window प्रोवाइडेड बाई न्यू टाइम लिमिट। और साथ ही ये रिस्ट्रिक्शन 100 करोड़ से कम की टर्नओवर पे अप्लाई नहीं होगी, और टैक्स पेयर्स को टाइम देने के लिए टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 मई 2023 से। और हमारा ई इनवॉइस का पोर्टल कौन सा है ये मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये यहाँ पे आके आप अपना ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, उसकी वीडियो देखनी है कैसे ई इनवॉइस बनता है तो लिंक कर दी है मैंने आई बटन पे, और भी ई इनवॉइस की सेपरेट वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाली हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ई आई बटन पे भी आपको मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, तो उनको देख लेना। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी होती है अपनी नॉर्मल इनवॉइस को ई इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, और आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आपको ये फैसिलिटी देते हैं। वैसे तो आपका टाइम गैप होना ही नहीं चाहिए नॉर्मल इनवॉइस और ई इनवॉइस में, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है ई इनवॉइस बनाने की। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है कैसे ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी 1 मई 2023 से। फॉर द पर्सन्स हु हैव एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ और अबव, ठीक है, और उनके लिए जो टाइम गैप है अब 7 डेज से ज़्यादा का नहीं हो सकता नॉर्मल इनवॉइस और ई इनवॉइस के बीच में। क्लियर हो गया? अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही
पॉपुलर हो गया ऑलरेडी, इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। TDS ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना TDS में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि रिकंसिलेशन GST में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कोर्स पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें, ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज हैं। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे, तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।